मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा के सलकनपुर में प्रसिद्ध देवी मां विजयासन धाम में चैत्र नवरात्रि को लेकर मंदिर प्रांगण में जिला कलेक्टर एसपी एवं देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें चैत्र नवरात्र को लेकर सभी विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। 22 मार्च से आरंभ होने वाली चैत्र नवरात्र को देखने के लिए सलकनपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन को पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर प्रबंधन की ओर से अच्छी व्यवस्था मिल सके, इसको लेकर जोर दिया गया और सभी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। नवरात्र आ रहे हैं और इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माता जी दरबार में श्रद्धालु संख्या ज़्यादा रहेगी, तो ये संयुक्त मीटिंग थी जिसमें पुलिस प्रशासन और समस्त अधिकारी बैठे थे, मंदिर समिति के लोग थे, और पार्किंग के इश्यूज, नए पार्किंग का परिवर्तन, नए रास्ते का निर्माण, रोड के इश्यूज, बिजली पानी कंट्रोल रूम की व्यवस्था, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। और इस बार कोशिश रहेगी श्रद्धालुओं को जो है प्रॉपरली मंदिर में अच्छे से वो लोग दर्शन कर पाए। वहीं बैठक में दिशा निर्देश देते हुए पेयजल, पार्किंग व्यवस्था, रास्ता जाम ना हो आदि विषयों पर चर्चा भी की गई एवं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नसरुल्लागंज।